हेलो एवरीवन, दिस डीआईवाई विद द ओल्ड टी शर्ट। सो लेट्स सी ये कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको पुरानी टी शर्ट को 3-3 इंच साइड से शोल्डर नाप लेने और फिर 6 इंचेस का आर्म होल, जैसे हम हर टॉप टी शर्ट में करते हैं। आप पुरानी टी शर्ट रख कर भी इसको काट सकते हैं। उसके बाद 6 इंच नीचे से नाप कर जितनी भी आपको लाइन चाहिए, मेरे को इतनी चाहिए थी। और यहाँ पर मैं अपने कमर का निशान मार्क कर लूँगी और फिर इसको कट कर देना है। कट करने के बाद अब ये जो स्लीव्स पुरानी थी, अब मैं इन्हीं स्लीव्स में से दूसरी स्लीव्स काट लूँगी। जितनी लेंथ मेरे को चाहिए उतनी रख के एग्जैक्ट उसी शेप में जिस शेप में ये ऑलरेडी थी, मैं दोनों ही स्लीव्स ऐसे करके काट लूँगी। आपको ये दोनों स्लीव्स बराबर करनी है एक दूसरे के। और इसके बाद में जो मैंने ये नीचे से हेम कर लिया अपने एजेस और साइड से, जो मैं इसको उल्टा करके फिटिंग लगाऊंगी साइड्स की, तब मैं उसके बाद स्लीव्स अटैच होंगी। अब मैंने उल्टी तरफ अपनी अंदर की सीधी तरफ स्लीव्स रखी है, मतलब उल्टी तरफ तो टी शर्ट थी और स्लीव जो थी वो सीधी थी, उसको अंदर डाला आर्म होल में और फिर सिलाई लगाती जाऊंगी। उसके बाद ही स्लीव्स अटैच हो गई, अब मैं इसको सीधा करूंगी तो ये जो है टॉप का पार्ट एकदम रेडी है। अब इस स्कर्ट्स की तरफ चलते हैं। स्कर्ट्स के लिए मैंने नीचे का जो कपड़ा बचा हुआ था बस इसी को अपनी मेज़रमेंट से नाप कर कर लिया है, जितने भी मेरे थाइस की और हिप की मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब इसको कटिंग करने के बाद मैंने इसमें ऊपर इलास्टिक डाली है, बस ये हो गया कम्प्लीट।